तो इस वीडियो में बात करेंगे स्कार्स के बारे में। अगर आपके स्किन पे स्कार्स है तो एक नहीं दो नहीं तीन ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। पहला ट्रीटमेंट होगा एडवांस ट्रीटमेंट, जिससे आपको बहुत फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। दूसरा ट्रीटमेंट अफोर्डेबल होगा, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मैंने खुद भी करवाया था। थर्ड ट्रीटमेंट इतना ज्यादा चीप होगा कि हर वो इंसान करवा सकता है जिनके स्किन पे स्कार्स है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जो भी ट्रीटमेंट आपको सेफ लगे, आपके बजट में हो, आप करवा सकते हो, स्कार्स तो आपके गारंटेड रिमूव हो जाएंगे, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बूम, आपको बस एक चीज अवॉइड करनी है अगर आपके स्किन पे स्कार्स है तो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू रिमूव स्कार्स इन हिंदी, बहुत से वीडियोस आपके सामने आएगी। कुछ वीडियोस प्ले करके देखते हैं। रात को जब भी आप फेस वॉश कर लो उसके बाद सोने से पहले थोड़ा सा गुलाब जल लो, कॉटन के रुई के अंदर, रुई के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल लो, उसको धीरे 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 डैप करके ऐसे अपने फेस पे लगा दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो होल्स है वो श्रिंक होते जाएंगे। लाइक सीरियसली, अब चलते हैं अपने होम रेमेडी की तरफ, जिससे मैंने अपने पिंपल होल्स को नेचुरली क्योर किया। वो करना क्या है, आप मुल्तानी मिट्टी आप लो, आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर आप ऐड करो, जैसे सूख जाए देन आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये आपके पिंपल होल्स को भरेगा, साथ साथ आपके स्किन के ऑयल को भी निकालेगा, जिससे आपके पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि जो पिंपल के गड्ढे होते हैं उन्हें कैसे ठीक करना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ईजी टिप है, वो है आलू। आलू, हाँ एक्चुअली सिर्फ ये, और ये इतने लाइट हो गए, मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, उतना मुझे गड्ढों में कुछ ऐसा फर्क नहीं दिखा जितना मुझे इससे लगा। मारो मुझे, मारो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आशीष चलचलानी, बीबी के वाइन, इनका चैनल इतना कैसे ग्रो कर गया, क्योंकि भाई साहब असली कॉमेडी तो यहाँ पर चल रही है। मुल्तानी मिट्टी लगा लो, आलू रगड़ लो, स्कार्स रिमूव हो जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, आपके स्किन पे स्कार्स क्यों, क्योंकि किसी टाइम पे आपकी स्किन पे एक्ने थे। एक्ने क्यों थे, क्योंकि आपकी स्किन ऑयल एक्ने प्रोन है, और अगर आप अपनी ऑयल एक्ने प्रोन स्किन पे ये मुल्तानी मिट्टी लगाओगे, आलू रगड़ोगे, लींबू रगड़ोगे, तो आपकी स्किन इरिटेट होगी। स्किन इरिटेट होगी तो आपकी स्किन पे एक्ने बढ़ेंगे, एक्ने बढ़ेंगे तो स्कार्स भी बढ़ेंगे। इसीलिए एक बात अपने सबकॉन्शियस में अच्छे से घुसा लो, होममेड रेमेडीज से या स्किन को इरिटेट करने से स्कार्स रिमूव नहीं होने वाले, उल्टा बढ़ जरूर जाएंगे। तो अब आते हैं पॉइंट पे और बात करते हैं स्कार्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको बहुत फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एडवांस ट्रीटमेंट आपको किसी भी अच्छे और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में अवेलेबल हो जाएगा। आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो डिपेंड करता है स्कार्स के टाइप के ऊपर, क्योंकि स्कार्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपके स्किन पे आइस पिक स्कार्स है तो TCA टेक्निक से डॉक्टर आपके स्कार्स को रिमूव करेंगे। अगर आपके स्किन पे रोलिंग स्कार है तो लेजर ट्रीटमेंट से आपके स्कार्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके स्किन पे बॉक्स स्कार्स है तो लेजर ट्रीटमेंट या पंच टेक्निक के थ्रू डॉक्टर आपके स्कार्स को रिमूव करेंगे। इन ट्रीटमेंट के मल्टीपल सेशंस आपको लेने पड़ेंगे, आपको हर वीक में एक बार क्लिनिक जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और आपका ट्रीटमेंट चल सकता है 8 वीक से लेकर 16 वीक या उससे भी ज्यादा टाइम तक। और जो टोटल खर्चा आएगा आपको एडवांस ट्रीटमेंट में वो होगा मिनिमम 1,515,000 से लेकर मैक्सिमम 5,050,000 तक। मैंने पहले ही बोला था ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होगा। एडवांस ट्रीटमेंट उन लोगों को कराना चाहिए जिनकी वेडिंग है या घर पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, या जिन्हें अपने स्किन से बहुत ज्यादा प्यार है और इतने पैसे भी है कि 15 से लेकर 50,000 तक अपने स्किन पे इन्वेस्ट कर पाए। अब मैं आपको सेकंड ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ, जो अफोर्डेबल है, मैंने खुद भी करवाया था। तो मैंने लिया था आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट। अपनी बहुत वीडियो में बहुत बार मैं आइसोट्रेटिनोइन बोल चुका हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ब्रेन टैट हो जाए, और जब भी आपको एक्ने का ट्रीटमेंट कराने का मन करे सबसे पहले आपके दिमाग में आइसोट्रेटिनोइन आए, क्योंकि मैं रिजल्ट देख चुका हूँ, बहुत मैजिकल है। मेरे जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स थे सब ठीक हो चुके हैं, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन जो सीधा रूट पे वर्क करती है, सबिशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देती है, जिससे आपके स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन कम होगा। ऑयल प्रोडक्शन कम होगा तो आपको एक्ने नहीं आएगा, एक्ने नहीं आएगा तो डार्क स्पॉट और स्कार्स नहीं होगे, स्किन लूज नहीं होगी, ओपन पोर्स भी नहीं होगी। स्कार्स को रिमूव करने के लिए कैसे इफेक्टिव है आइसोट्रेटिनोइन वो आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली हमारे स्किन जो है हर मिनट में 30,000 से 40,000 स्किन के सेल को श्रेड करती है, नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन आइसोट्रेटिनोइन लेने के बाद हमारे स्किन का जो सेल टर्नओवर रेट है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाता है, मतलब पुरानी स्किन जो है फटाफट से रिमूव होने लग जाती है, फिर पीछे से जो न्यू स्किन आ जाती है एकदम प्लेन और स्मूथ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कि आपकी स्किन है, इस पे हम लोग कुछ स्कार्स बना देते हैं, तो नॉर्मली हमारी स्किन जो है स्लो स्लो स्किन के सेल्स को रिमूव करती है, लेकिन आइसोट्रेटिनोइन लेने के बाद हमारी स्किन जो है फटाफट से स्किन के सेल्स को रिमूव करने लग जाती है और पुरानी स्किन को निकाल देती है। पुरानी स्किन के साथ साथ हमारे स्कार्स भी रिमूव हो जाते हैं, फिर पीछे से जो न्यू स्किन आ जाती है एकदम प्लेन स्मूथ क्लियर होती है। डर्मिस पे जाके कोलेजन को बढ़ाती है आइसोट्रेटिनोइन, जिससे आपके स्कार्स अंदर से भरने लग जाएगी, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी, प्लम्प हो जाएगी, थिक बन जाएगी। आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जिनके स्किन पे स्कार्स तो है लेकिन साथ ही साथ एक्टिव एक्ने भी है। आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट लेना है। तो पहले चीज, बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको आइसोट्रेटिनोइन की टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन जो है अलग अलग एमजीज में अवेलेबल है। आइसोट्रेटिनोइन 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, डॉक्टर आपको बताएगी आपको कितने mg की कैप्सूल खानी है और कितने टाइम तक खानी है, वो डिपेंड करता है आपका स्किन टाइप के, आपके स्किन कंडीशन क्या है, बॉडी वेट क्या है आपका। दूसरी बात, आइसोट्रेटिनोइन जो वर्क करने में टाइम लेगी, 3 मंथ तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, उल्टा आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, आपके स्किन पे एक्ने आएगा, स्किन के पोर्स बढ़ेंगे, रेडनेस स्किन पे आएगी। बस आप डरना मत, कैप्सूल को कंटिन्यू लेते रहना, 4 मंथ से आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। 6 to 9 मंथ के बीच में आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम्स रूट
धूप से खत्म हो जाएगी, प्लस आपके स्कार्स भी बहुत 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 लाइट हो जाएंगे। अब खर्चा कितना आएगा आइसोट्रेटिनॉइड के ट्रीटमेंट में एक्जैक्टली तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। आइसोट्रेटिनॉइड की अलग अलग एमजीएस की कैप्सूल के प्राइस के हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट 6 to 9 मंथ तक चलता है तो इतना खर्चा आपको आ सकता है। तो अब मैं आपको उस ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ जिसे हर वो इंसान करवा सकता है जिनके स्किन पे स्कार्स है। तो उस ट्रीटमेंट का नाम है रेटिनॉइड क्रीम। आइसोट्रेटिनॉइड और ट्रेटिनॉइड ये दोनों रेटिनॉइड फैमिली के ही मेंबर है। विटामिन ए को मॉडिफाई करके रेटिनॉइड्स को बनाया जाता है। बस आपको आइसोट्रेटिनॉइड को ओरली लेना है, ट्रेटिनॉइड को एक्सटर्नली यूज करना है क्योंकि क्रीम में वर्क दोनों सेम करते हैं। ट्रेटिनॉइड क्रीम भी एपिडर्मस पे जाके सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाती है, तो जो बुक वाला एग्जांपल आपको दिया था उसी तरह से आपके स्कार्स को रिमूव करेगी। डर्मस पे जाके कोलेजन को बढ़ाती है जिससे आपके स्कार्स अंदर से भरने लग जाएगी, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी, प्लम्प हो जाएगी, थिक हो जाएगी और एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी। और जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ओपन पोर्स, स्कार्स, ब्लू स्किन एजिंग वगैरह, हर एक स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है ट्रेटिनॉइड क्रीम। और सबसे बड़ी बात, ट्रेटिनॉइड ये कोई स्टीरॉइड वाली क्रीम नहीं है, तो अगर आपकी स्किन पे सूट कर जाती है तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। ये आपकी स्किन को एजिंग से और जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है सबसे दूर रखेगी। बस आपको ट्रेटिनॉइड को यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए और आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे क्योंकि बिना प्रिकॉशन के ट्रेटिनॉइड वाली जो क्रीम है आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकती है। तो ट्रेटिनॉइड को यूज करने का सही तरीका क्या है, आपको क्या प्रिकॉशन लेने, इस वीडियो में मैंने बताया है, आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। और हाँ, क्योंकि ये भी एक रेटिनॉइड फैमिली का ही मेंबर है तो ये भी वर्क करने में टाइम लेगी। 3 मंथ्स तक आपको इससे भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, उल्टा आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। 4 मंथ से आपको अपनी स्किन में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। 6 to 9 मंथ के बीच में क्रीम आपके सभी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करके आपके स्कार्स को भी बहुत लाइट कर देगी। अगर आपके स्किन पे रोलिंग स्कार्स है तो ट्रेटिनॉइड बहुत इफेक्टिव होगी आप लोगों के लिए। क्रीम की प्राइस है 159 रुपीस। क्रीम आपको 6 मंथ से ज्यादा टाइम तक आराम से चल जाएगी क्योंकि 30 ग्राम्स की क्रीम है, आपको रेगुलर नहीं लगानी है, वो भी इतने से अमाउंट में लगानी है, डॉट जितने। इसलिए तो स्कार्स के 3 ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए। जो भी ट्रीटमेंट आपको सेफ लगा हो, आपके बजट में हो, उस ट्रीटमेंट के बारे में आप और पता करके नॉलेज गेन करके उस ट्रीटमेंट को करवा सकते हो। स्कार्स तो आपके गारंटेड रिमूव हो जाएंगे। और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है या आपको कोई कंफ्यूजन है, मुझसे कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट करना, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टाटा।